अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस क्रीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझी जाती है। ना सिर्फ एक्ने ट्रीटमेंट बल्कि एक्ने के बाद बनने वाले निशानों की ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ इस क्रीम के अंदर मौजूद होती हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, और ये साथ साथ आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन भी इम्प्रूव हो जाती है। तो मैं जिस क्रीम की बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्किन ए क्रीम। तो बात करते हैं कि स्किन ए क्रीम काम कैसे करती है। बेसिकली स्किन ए क्रीम के अंदर मौजूद होता है ट्रेटोनिन, जो कि एक सिंथेटिक वर्जन है विटामिन ए का। तो बेसिकली ये क्रीम काम कैसे करती है, ये आपकी स्किन के अंदर जो स्किन सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर देती है, यानी आपकी स्किन सेल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं और जल्दी जल्दी नए स्किन सेल्स पैदा होते हैं। इसकी वजह से आपके स्किन के अंदर जो स्किन के पोर्स होते हैं उसके अंदर जो ऑयल मौजूद होता है जिसके अंदर एक्ने पैदा करने वाला बैक्टीरिया पैदा होता है वो जल्दी जल्दी बाहर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो पहले 2 हफ्ते जो आपकी स्किन का ऑयल है वो बाहर आता है, यानी आपको बैक्टीरिया एक्ने पैदा करने वाला बाहर आता है, तो उसकी वजह से आपकी एक्ने जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी एक्ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और बेटर हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली वो जो आपकी एक्ने है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये साथ साथ जैसे जैसे स्किन की सेल्स को इम्प्रूव करती है या उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती जाती है, ये साथ साथ आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई भी देती है, उसकी वजह से एंटी एजिंग इफेक्ट भी आता है। और ना सिर्फ ये बल्कि एक्ने स्कार्स यानी एक्ने के बाद बनने वाले जो निशान हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया जाता है। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी इसका काम इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत इजीली अफोर्डेबल है। 150 की आपको ये क्रीम मिल जाती है, तकरीबन 20 दिन आपके लिए चल जाती है। अब बात करते हैं कि स्किन ए क्रीम को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो स्किन ए क्रीम को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि रात को आप सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लें सोप से या किसी भी फेस वॉश से, जो भी आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक्ने के लिए इस्तेमाल करें तो कोई भी ऐसा एक्ने का फेस वॉश या सोप जो आप यूज़ करते हैं उसको, उससे फेस वॉश करने के बाद आप फेस को ड्राई कर लें, और उसके बाद एक मटर के दाने के बगैर के बराबर क्रीम को अपनी फिंगर पर लें और उसके पूरे फेस पर अप्लाई कर दें, या एक्ने वाली जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको सूट करे। स्किन पर अप्लाई करने के बाद आप इसको ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए छोड़ देंगे और सुबह फिर दोबारा अपना फेस वॉश कर लेंगे। कुछ हफ्ते अरसे इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपको इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और होपफुली आपकी एक्ने भी ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी स्किन टोन के अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि आपके एक्ने स्कार्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि स्किन ए क्रीम का, कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है या इरिटेशन कॉज हो जाती है, थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन्स के ऊपर स्पेशली बड़ी जल्दी किस्म की इरिटेशन कॉज कर देती है। तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजर दिन के अंदर यूज़ करें और रात को इस क्रीम का इस्तेमाल करें, ताकि आपको इरिटेशन या वो रेडनेस जो है स्किन के ऊपर वो कॉज ना हो, इचिंग कॉज ना हो, और आप उसकी वजह से अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में ना आएँ। ये मेडिसिन बहुत इजीली हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है और एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव समझी जाती है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही प्रूवन किस्म के हैं। होपफुली इस मेडिसिन से, इस स्किन ए क्रीम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई इस क्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी को लगता है कि इस वीडियो की किसी को जरूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।